नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। आज की वीडियो में हम पुनर्वा के बारे में बात करेंगे। पुनर्वा एक कायाकल्प बूटी है जिसे इटसिट से भी पहचाना जाता है। तो दोस्तों पहचान लीजिए, यही है पुनर्वा बूटी। ये आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध कायाकल्प बूटी है। पुनर्वा शरीर को 100 सालों तक फिट बनाए रखती है और बीमारियों को दूर रखती है। ये एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने वाले व्यक्ति को 100 साल तक कोई बीमारी नहीं होती और कभी बुढ़ापा का एहसास नहीं होता। लंबे समय तक जवानी बरकरार रहती है। इसकी मुख्य दो प्रजाति होती है, एक लाल दूसरी सफ़ेद। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये लाल पुनर्वा है। लाल पुनर्वा पर लाल रंग के फूल होते हैं और जो सफ़ेद होती है उस पर सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। पुनर्वा जिसे साठी भी कहा जाता है, ये पौधा भी जमीन पर छत्ते के रूप में फैलता है और इसकी जड़ें सूत्री की जैसी लंबी लंबी होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। पुनर्वा जड़ी बूटी भारत के सभी स्थानों पर सभी क्षेत्रों में आसानी से पाई जाती है। ये पुनर्वा का प्रयोग करने से पेट संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर पेट में गैस बन रही हो, अफारा हो या खाया पिया पचताना हो तो पुनर्वा का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए आपको पुनर्वा के पूरे पंचांग यानी पूरे पौधे को आपको लेना है और इसे कूट पीच कर रस निकालना है। रस 10 से 20 ml की मात्रा में खाली पेट ले सकते हैं या फिर इसे पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर 20 ml की मात्रा में पी सकते हैं। इससे पेट संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या हो, ये भी इनका आसानी से प्रयोग कर सकती है। सफ़ेद पानी की समस्या जिसे लिकोरिया से भी जाना जाता है, इसकी समस्या होने पर आप पुनर्वा का इस प्रकार से प्रयोग करें। इस पुनर्वा के पौधे के पंचांग का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पूरे पौधे को कूट पीच लेना है और इसका रस निकालकर 10 से 15 ml की मात्रा में खाली पेट पी लेना है। इसके अलावा इस पौधे को मोटा मोटा कूटकर पानी में पकाकर काढ़ा बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। काढ़ा आप 20 से 30 ml की मात्रा में प्रयोग में ले सकते हैं। इसका प्रयोग करने से सफ़ेद पानी की समस्या जड़ से दूर हो जाएगी और कमजोरी भी शरीर की मिट जाएगी। दोस्तों कामला रोग में भी ये जड़ी बूटी बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद होती है। कामला जिसे पीलिया और जॉइंटिस से भी जाना जाता है, अगर किसी को पीलिया की समस्या हो गई हो तो बताए गए प्रयोग के अनुसार इसका सेवन करें। दोस्तों पीलिया को दूर करने के लिए इस जड़ी बूटी की जड़ का प्रयोग किया जाता है जो एक प्रकार का टोटका है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि पुनर्वा की जड़ जो मोटी और लंबी हो उसको रविवार या मंगलवार के दिन शुभ नक्षत्र में लाए और पानी से धोकर साफ करके एक एक इंच के 21 टुकड़े करें। अब उस टुकड़ों को सूती धागे की मदद से एक माला तैयार करें और जिन किसी को पीलिया हो इसे गले में पहना दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में पीलिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे पीलिया खत्म होता जाएगा वैसे वैसे ये माला भी धीरे धीरे नीचे की ओर उतरती जाएगी। तो दोस्तों जिन किसी को पीलिया की समस्या हो ये दवाई के साथ साथ इस टोटके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।